हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तवरी में गुस्साए लोगों ने जीएसएस को लगाया ताला। कस्बे के फुंगनी रोड स्थित 33/11 केवी सब स्टेशन का आज तवरी के गुस्साए ग्रामीणों ने जेपा राम चौधरी की अगुवाई में सुबह सवेरे जीएसएस पहुंचकर जानकारी चाही कि क्या बात है। कल शाम 6 बजे कटी हुई लाइट अभी तक नहीं आई। इस बात का जीएसएस पर कार्यरत कर्मचारियों से संतोष पर जवाब नहीं मिलने पर गुस्साए ग्रामीणों ने जीएसएस कर्मचारियों को बाहर निकालकर जीएसएस को ही ताला जड़ दिया और कनिष्ठ अभियंता को दूरभाष पर बात की, जिस पर कनिष्ठ अभियंता नवीन कुमार मौके पर पहुंचे मगर उनसे भी गुस्साए ग्रामीणों ने कोई बात नहीं मानी। उनके अधिकारी सहायक अभियंता से बात कर उनको मौके पर बुलाया, जिस पर ग्रामीणों ने लोकल जीएसएस पर कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल यहां से हटाकर अन्य स्टाफ लगाने की बात के साथ ही उनको बताया कि लाइट तवरी गांव में शुक्रवार की शाम 6 बजे गई थी जो सुबह 8 बजे तक नहीं आई। पिछले एक माह से बिजली से परेशान ग्रामीण अगर यही रवैया रहा तो तवरी जीएसएस का घेराव करेंगे, मगर बिजली विभाग की लापरवाही के चलते आज तक कोई ना तो समाधान निकालने की जरूरत समझी, उल्टी कल शाम 6 बजे लाइट गई जो पूरी रात भर नहीं आई। इतना ही नहीं, सवेरे 8 बजे तक नहीं आई तभी ग्रामीणों का बिजली विभाग के खिलाफ सब्र का पहाड़ टूट गया और ग्रामीण 4-5 बाइक पर 8 से 10 लोग वहां पहुंचे और फिर ग्रामीणों ने संतोष पर जवाब नहीं मिलने पर जीएसएस को ही ताला जड़ दिया। इस पर दोपहर 12 बजे कालंद्री से सहायक अभियंता ओम प्रकाश सिरवी मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा काफी समझाइश के बाद आश्वासन दिया कि हम तवरी का स्टाफ 4 दिन में यहां से हटा देंगे और दूसरा स्टाफ लगा देंगे। वह तवरी गांव की लाइन अलग से करने का जल्दी कार्रवाई कर सुलभ कराने का भरोसा दिलाया, जिस पर ग्रामीणों ने ताला खोलने पर सहमत हुए। इस मौके पर सरपंच हिम्मतराव मेघवाल, उप सरपंच थाना राम चौधरी, कैलाशपुरी नारायण लोहाल, हरमत सिंह देवड़ा, भंवर सिंह देवड़ा, वार्ड पंच मदन सोनी सुरेश, लखाराम जोगाराम माली, गंगाराम रावल, रवि सेन सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। तवरी में जब से जीएसएस बना है तब से तवरी में ही लाइट की हमेशा तकलीफ है, ये कैसा जीएसएस। स्थानीय स्टाफ को जब फोन करते हैं तो ऑनलाइन कंप्लेन कर दो करके पल्ला झाड़ देते हैं। तवरी जीएसएस के एक बूंद क्या बरपात की गिरी की लाइट गुल, पिछले 15 दिन से रसोई बनाने के समय ही लाइट कट जाती है। जागरूक टीवी के लिए नागानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।